देखिए हमारे समाज में कितने प्रेरक, समाज में कितने प्रेरक लोग हैं वाकई, क्या कहा जाए। देखिए नसीम जी, ये नदी के किनारे जो है, देखिए लैया लिए हैं, पार्ले जी लिए हैं, देखिए ये एक एक झोला लिए हैं जिसमें बंद है, पार्ले जी है, लैया है, ये सब नसीम जी चिड़ियों को कई घंटे कितने बजे आ जाते हैं? एक दो घंटे लग जाते हैं। ये दो घंटे आते हैं, यहाँ हुसैनाबाद में रहते हैं, यहाँ ये कुड़िया घाट में आए हुए हैं, और ये देखिए इस तरीके से चल रहे हैं, ये सब पक्षियों को चींटियों को दाना देते हैं। बहुत आजकल ऐसे लोग तो मिल जाएंगे जो एक केला लेके फ़ोटो खिंचाने वाले, लेकिन ये जनरली ये फ़ोटो खिंचाना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया तो इन्होंने कहा कि चलो कर लेते हैं। इससे नसीम जी, इसको करने से आपको क्या एहसास होता अच्छा है? इसको करने से क्या एहसास? बहुत अच्छा लगता है उसको दिल में। जी जी, इसको करने के बाद अच्छा, आप हज वगैरह भी हुआ है? नहीं हुआ अभी, नहीं अभी। अब देखिए ये देखिए ये क्या कह रहे हैं नसीम जी, कितनी अच्छी बात है। मैंने नसीम जी से पूछा कि क्या आप हज वगैरह हो आए हैं, तो इनके शब्द क्या हैं, इनके शब्द क्या है, यही मेन हज है। देखिए इसके लिए आज हम लोग जो है लड़ते मिलते रहते हैं, दुनियादारी करते हैं, लेकिन मेन पूजा पाठ मंदिर मस्जिद यही है, मेन ये हज यही है। अच्छा अच्छा, और वैसे आपका गैराज में क्या मैकेनिक का काम करते हैं? जी जी। देखिए कितने महान व्यक्ति इस दुनिया में पड़े हुए हैं, क्या कहा जाए। नसीम जी दिल से नमन हमारी तरफ से, मिलते कभी कोई मदद की ज़रूरत हो बताइए। देखिए ये नसीम जी हैं, हम बिल्कुल, मैंने इनसे पूछा कि हज हुआ हैं, तो ये इनका कहना है कि ये जो काम करते हैं यही मेन हज है। दोस्तों मैं हूँ संतोष अर्थात, इसी के साथ फिर से आपको मिलता हूँ ऐसे ही शख्सियतों को लेकर। नमन है समाज के ऐसे लोगों को जो देश जाति इन सबसे ऊपर उठ के मानवता की सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सत्संग परिवार से संतोष अर्थात। आप कभी